प्यारे विद्यार्थियों सुप्रभात। मैं विकास मेहरा, व्याख्याता हिंदी आर्य उच्च माध्यमिक विद्यालय छानीवड़ी। उसी संदर्भ में हम आज अध्ययन करेंगे कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के अंदर पहला जो अपना प्रकरण चल रहा है, भाषा, व्याकरण और लिपि। तो उसमें हम आज अध्ययन करेंगे दूसरे बिंदु का। आज हम अध्ययन करेंगे दूसरे बिंदु का, जिस बिंदु का नाम है व्याकरण। जिसका नाम क्या है? व्याकरण। हाँ जी, अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्याकरण का शाब्दिक अर्थ, कि व्याकरण जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो है विश्लेषण करना। कि व्याकरण का शाब्दिक जो अर्थ है वो है विश्लेषण करना। विश्लेषण करने का मतलब ये है कि भाषा का विश्लेषण कर रचना को स्पष्ट करता है। कि व्याकरण जो है वो भाषा का विश्लेषण कर उसकी रचना को स्पष्ट करता है। उसके बाद हम पहुंचते हैं उसकी परिभाषा पर, यानी व्याकरण जो है उसकी परिभाषा क्या है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। क्या पढ़ा हमने? कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने या उसके बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। अब कहने का अभिप्राय ये है कि व्याकरण में कुछ ऐसे नियम दिए होते हैं कि जिन नियमों को जानकर हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को उसको लिख सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो इसलिए कहने का अभिप्राय है कि व्याकरण वह क्या है? शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, उसके बाद में उसको बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। तो नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। अब कहने का अभिप्राय यह है कि व्याकरण में वे सभी नियम समझे जाते हैं। कि व्याकरण में क्या होते हैं बच्चों? व्याकरण में नियम होते हैं जिन्हें हमें समझना होता है, कि जिनके सहयोग से, यानी उन नियमों के सहयोग से हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि व्याकरण में दिए गए जो नियम हैं, उन नियमों के सहयोग से हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, उसके बाद में उसको लिखना और उसके बाद में उसको पढ़ना सीख सकते हैं। व्याकरण नव शब्दों की रचना करना भी सिखाता है। कि व्याकरण के नियमों को सीखकर हम नए नए शब्दों की रचना कर सकते हैं। अतः भाषा के संपूर्ण ज्ञान के लिए, कि कोई भी जो भाषा है उसके संपूर्ण ज्ञान के लिए उसका व्याकरण सीखा जाना बहुत ही जरूरी है। कि भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी के लिए, उसके संपूर्ण ज्ञान के लिए उसके व्याकरण को सीखना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए दूसरे शब्दों में व्याकरण को शब्दानुशासन, यानी व्याकरण को शब्द अनुशासन भी कहते हैं। कि व्याकरण के द्वारा शब्द जो है वो अनुशासित हो जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि व्याकरण में कुछ ऐसे नियम दिए होते हैं कि जिन नियमों के द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोल सकते हैं, उसको शुद्ध लिख सकते हैं और उसको शुद्ध पढ़ सकते हैं। इसलिए भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी जिस शास्त्र के द्वारा होती है या जिस माध्यम के द्वारा होती है, वही जो माध्यम है वो माध्यम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। अब हम पहुंचते हैं तीसरे बिंदु पर, कि व्याकरण जो है उसका कार्य क्या है। कि व्याकरण जो है उसका कार्य क्या है? तो व्याकरण का मुख्य जो कार्य है, कि व्याकरण जो है उस व्याकरण का मुख्य जो कार्य है वो कार्य है कि कोई भी जो भाषा है उस भाषा को नियमबद्ध करना। भाषा को निर्धारित व्याकरण का अनुसरण करना पड़ता है। कि कोई भी जो भाषा है उस भाषा को अपने व्याकरण जो निर्धारित जो व्याकरण है उस व्याकरण का अनुसरण करना पड़ता है। क्योंकि अनुसरण न करने पर क्या लिखा हुआ है? कि अनुसरण न करने पर भाषा क्या हो जाती है? अशुद्ध हो जाती है। क्या लिखा हुआ है? कि यदि भाषा अपने निर्धारित व्याकरण का अनुसरण नहीं करेगी तो वो भाषा क्या बन जाएगी? अशुद्ध बन जाएगी। इसलिए भाषा अशुद्ध न हो
ऐसी स्थिति में भाषा जो दी गई है उस भाषा पर किसका, उसका जो निर्धारित जो व्याकरण है उस निर्धारित व्याकरण का क्या रहना, नियंत्रण रहना बहुत ही अनिवार्य है। तो कहने का मतलब ये है कि भाषा अशुद्ध न हो, हमें अशुद्ध जानकारी न मिले, इसके लिए भाषा जो है उसका निर्धारित जो व्याकरण है उस निर्धारित व्याकरण का नियंत्रण उस भाषा पर रहना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि निर्धारित व्याकरण जिसमें कुछ निर्धारित नियम दिए होते हैं उन्हीं नियमों को समझकर हम कोई भी जो भाषा है उस भाषा की शुद्ध जो जानकारी है वो शुद्ध जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसके शुद्ध रूप को समझ सकते हैं, उसके शुद्ध लेखन को समझ सकते हैं और उसका शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको एक सबसे कुछ एक महत्वपूर्ण जो बात है वो बताना चाहूंगा कि हमने ये लिखा हुआ है कि हिंदी जो भाषा है उस हिंदी भाषा में व्याकरण लेखन कि हिंदी का जो निर्धारित जो व्याकरण है उसको लिखने का जो प्रयास है उसको लिखने का यत्न उसको लिखने की कोशिश जो है वो सबसे पहले किशोरीदास वाजपेयी, क्या नाम लिखा है हमने कि हिंदी का जो व्याकरण है उसको लिखने का जो प्रयास है वो सर्वप्रथम किशोरीदास वाजपेयी ने किया था, और उसके बाद में दूसरे जो व्यक्ति जिनका नाम है कामता प्रसाद, क्या नाम है जिनका, कामता प्रसाद। तो किशोरीदास वाजपेयी और उनके बाद कामता दास ने प्रयास किया हिंदी व्याकरण को लिखने का, तो उसके बाद में यानी किशोरीदास वाजपेयी और कामता प्रसाद के बाद और तीसरे जो इंसान हुए तीसरे व्यक्ति हुए जिनका नाम है दुली चंद, उन्होंने हिंदी का व्याकरण लिखा, और उसके बाद में चौथे जो क्रम पर आते हैं डॉक्टर हरदेव पहारी, क्या नाम है चौथा, चौथा जो नाम है वो है डॉक्टर हरदेव पहारी ने व्यावहारिक हिंदी व्याकरण ग्रंथ लिखा है। तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हिंदी में व्याकरण लेखन का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो किशोरीदास वाजपेयी ने किया, उनके बाद दूसरे जो व्यक्ति है वो कामता प्रसाद, तीसरे जो है दुली चंद और इसी क्रम में चौथे जो है डॉक्टर हरदेव पहारी जिन्होंने हिंदी का व्यावहारिक जो व्याकरण है वो लिखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।